हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज का वीडियो हमारा हरियाणा पुलिस एंड पटवारी के लिए क्लास नंबर 1 कंप्यूटर के। यहां पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आपको बताया हरियाणा पुलिस में एट लीस्ट यानी कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और पटवारी में भी कंप्यूटर दे रखा है। अगर आपने सिलेबस रीड किया होगा, मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें भी कंप्यूटर दिया हुआ है, बट ये नहीं दे रखा कि उसके अंदर 10 नंबर का आएगा, बट उसमें कंप्यूटर आएगा। 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही कुछ उसके अंदर कंप्यूटर के भी आएंगे। तो वीडियो हमारा कंप्यूटर का और ये हमारा पहला वीडियो है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है, तो ये अपना प्रैक्टिस सेट भी लगाकर चलना, बाद में मेरे आंसर से आंसर मैच करना अपना जवाब देने के बाद, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फोर्क डैश होता है, ठीक है, FORK, ये क्या होता है? तो फोर्क का मतलब क्या होता है? नई प्रक्रिया का बनना। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, BAIDU बेदू सर्च इंजन कहाँ से है? तो देखिए, बेदू जो है एक सर्च इंजन है और एक इंटरनेट कंपनी भी है। ये कहाँ से है? ये चाइना से है। आपको पता होगा चाइना जो है ये सभी चीज़ें अपनी अलग से बनाते हैं। जैसे हमारे भारत में YouTube चलता है और मोस्टली 90% कंट्री में YouTube चलता है, बट चाइना में आपको पता है चाइना में YouTube की जगह कौन सा चलता है? यूकू चलता है, ठीक है। उनका अपना ये जो है सर्च इंजन है, अपना उनका ब्राउज़र है यूकू, ठीक है। यूट्यूब के स्थान पर वहाँ पर यूकू चलता है। तो ऐसे ये बेदू जो है सर्च इंजन है ये चीन से है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, EDP क्या है? और देखिए, EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा को चलाना, प्रोसेस करना EDP होता है। और फुल फॉर्म देखिए आपके एग्जाम में, पिछले कोई भी एग्जाम देख लेना हरियाणा पुलिस का, उसके अंदर 2 से 3 फुल फॉर्म पूछी गई थी, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ है, कंप्यूटर विज्ञान में GIGO गीगो शब्द का संबंध डैश से है। तो देखिए, गीगो आपको पता होगा क्या होता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। इसका संबंध किससे होता है? फिल्ट्रेशन से। ऑप्शन ए शुद्धिकरण बिल्कुल सही होगा, इसका संबंध शुद्धता से होता है, ओके। आई होप आपने सही जवाब दिया होगा और ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेजर प्रिंटर डैश से संबंधित होता है। तो लेजर प्रिंटर क्या होता है? यह एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीद लिया और उस पर देखिए इस तरह से साइड में ऐसे ऐसी बार कोड टाइप का बना होता है, ठीक है। इस पर कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं या फिर सिंपली ऐसी ऐसी लाइनें लगी होती हैं, तो इन लाइनों के पैटर्न को क्या बोलते हैं? बार कोड बोला जाता है, जिसको हम स्कैन करके उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि यह प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं, ये कब बना था, इसकी पैकिंग कब हुई, तो बारकोड से ये सब पता लगता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान हो जाता है। तो अगर हम कंप्यूटर पर गेमिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो हम माउस का प्रयोग ना करके अगर हम जॉयस्टिक का प्रयोग करेंगे तो उससे हम जो है गेम आसानी से खेल सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जॉयस्टिक आपको पता होगा एक इस तरह से बॉक्स होता है, उसके ऊपर जो है इस तरह का हैंडल बना होता है, ठीक है। इस हैंडल को पकड़ के हम आगे पीछे करते हैं और यहाँ पर बटन भी दिए होते हैं कुछ, इसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, जिससे हम गेम आसानी से खेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, इंकजेट प्रिंटर, मान लीजिए आप अपना एडमिट कार्ड का ही एग्जाम्पल ले लें, आपको अपना एडमिट कार्ड निकलवाना है प्रिंटर से। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, बट अगर आपको कलर निकलवाना है तो कलर्ड प्रिंटर में जो मूल रंग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और वो 4 कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा ब्लैक, एक होगा हमारा साइन, एक होगा हमारा मैजेंटा और एक होगा हमारा येलो। ये चारों के चारों मूल रंग होते हैं यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर में, बट एक्चुअल में ये मूल रंग नहीं है। आपको पता होगा मूल रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा, ठीक है, ग्रीन। ये तीनों जो है ये मूल रंग होते हैं और ये जो इसमें यूज होते हैं इंकजेट प्रिंटर में, इनको हम सेकेंडरी कलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मूल रंग कार्टिजों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट किस पेज पर हीडर और फूटर प्रिंटेड रहता है?
तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो होता है उसका कोई भी पेज खोल लेंगे तो उस पर हेडर और फुटर दोनों चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एवरी पेज, ऑप्शन सी, हर पन्ने पर। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन की उपयोग होता है। तो पावर पॉइंट आपको पता होगा इसमें स्लाइड शो चलती हैं, इसमें बहुत सारे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोग्रामिंग तैयार कर दी 5 या 6 स्लाइड्स की, उसको हम बैक टू बैक चलाना चाहेंगे तो हम एक बार में अगर हम F5 जो हमारी फंक्शन की है इसको हम दबा देंगे तो ये फंक्शन की ऑटोमेटिक एक स्लाइड खत्म होने के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक पेश हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें F5 की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता। तो देखिए अगर हम ईमेल एड्रेस कुछ भी लिख रहे हैं उसके बीच में हम कभी भी स्पेस नहीं डालते, हम ईमेल एड्रेस बिल्कुल कंटिन्यू लिखते हैं, तो स्पेस का जो है इसके अंदर यूज़ नहीं होता, ये स्पेस जो है ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। और देखिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है और वीडियो पसंद भी आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल से जुड़े रहना। क्वेश्चन नंबर 12, याहू गूगल और MSN डैश है, याहू गूगल और MSN, तो ये आपको पता है yahoo.in, google.co.in, msn.com.in, तो ये क्या है, ये सभी इंटरनेट साइट्स हैं, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है। ओके, तो देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग हैकिंग बोल रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। आप देखिए मैं पहले बता दूं हैकिंग क्या होती है, कि आपने किसी पर्सन का सिस्टम, जो उसका सिस्टम होता है उसको चुरा कर अपने तरीके से उसको प्रोसेस करना, वो हैकिंग होता है, ठीक है। अगर हम किसी का पासवर्ड चुरा रहे हैं तो उसको अलग नाम दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। पासवर्ड चुराने का जो हमारा अपराध होता है उसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। हैकिंग आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया, और स्पूफिंग जो होता है वो पासवर्ड चुराने के अपराध को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। आप देखिए जीमेल जो हमारा होता है उसके अंदर अगर हम कोई भी फाइल भेजेंगे, कोई फोटो, कोई वीडियो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजते हैं, तो वो हम अधिक से अधिक 25 MB तक का भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा MB का जो हम जीमेल में फाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए शॉर्टकट होता है। अब देखिए अगर हम किसी चीज़ को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट होने के बाद सबसे पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है, कि अगर हमको बाद में डिलीट की हुई चीज़ हमको वापस लानी हो तो हम रिसाइकल बिन ओपन करेंगे, वहाँ पे हमको वो डिलीट की हुई चीज़ वहाँ पर मिलती है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना हम डिलीट कर दें और वो चीज़ रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में भी ना जाए तो हम कौन सी शॉर्ट की का यूज़ करते हैं। तो हम शिफ्ट प्लस DEL मीन्स डिलीट जो हमारी शॉर्ट की है हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमारी फाइल डायरेक्ट डिलीट होगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, MPG किस प्रकार के फाइलों का एक्सटेंशन है। तो MPG हमारा क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है, और MPG होता है हमारा वीडियो का एक्सटेंशन, ठीक है, वीडियो की फाइल MPG में होती है। और देखिए एक होता है हमारा JPG जो कि हमारे पिक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है, फोटो के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, CD-ROM डैश है, CD-ROM डैश है, ऑप्शन आपके सामने है। और देखिए CD-ROM जो है इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। CD-ROM की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, DVD है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है, DVD क्या है, आपको पता है फुल फॉर्म से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इस बार भी फुल फॉर्म से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, एक और इसका नाम होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है, दो नाम है DVD की, दो फुल फॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। प्रसिद्धि के अनुसार सजाना है, ये नहीं कि कौन किसकी खोज कब हुई थी उसके अनुसार, प्रसिद्धि मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा फेमस है, तो सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, गूगल है, उसके बाद जो है ask.in है, आस्क इंजन, फिर हमारा याहू है, और सबसे लास्ट में हमारा बिंग है। तो 4, 3, 2, 1, ऑप्शन में हमारा बी सही होगा, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे हमारा, कौन सा सही नहीं है, ये कथन है हमारा,
इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सही आंसर पे चलते हैं, उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। ऑप्शन सी, किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के बाद तुरंत फाइल को बंद कर दे, बंद ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, चार बिट्स 4 बिट्स मिलकर एक डैश बनाता है। तो चार बिट्स मिलकर एक निब्बल बनाता है, और ऑप्शन बी, और चार बाइट मिलकर एक केबी बनता है, ठीक है, सॉरी 8 बाइट मिलकर एक केबी बनता है और चार बिट्स मिलकर एक निब्बल बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, कैच मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी है जो उपयोग की जाती है। कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी क्या होती है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, SRAM में उपयोग की जाती है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगा, ये रैम का ही पार्ट होता है, SRAM और DRAM, डायनामिक रीड ओनली मेमोरी और स्टेटिक रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, टच इनेबल्ड कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे स्पर्श करके इनपुट प्रदान करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लाइट पेन जो होता है जिससे हम स्क्रीन को टच करते हैं, ऑप्शन सी लाइट पेन का यहां पर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को साउंड में परिवर्तित कौन करता है। ओके, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, स्पीकर। स्पीकर देखिए, स्पीकर के अंदर 2 तारे लगे होते हैं, आपको पता है, और हमारा मान लीजिए सिस्टम है जिसके अंदर स्पीकर लगाने का हमको दिया होता है, इसमें हम 2 तारे लगा देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक संकेत आता है। अगर हम कोई अपने PC में गाना वगैरह चलाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक संकेत हमारा तारों में जाएगा और वो साउंड में परिवर्तित करेगा स्पीकर उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्पीकर हमारा राइट आंसर होगा। 25, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एक डैश परत प्रोटोकॉल है। TCP, तो TCP क्या है, एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो गाइज यही थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, ऐसी वीडियो और आती रहेंगी हमारे चैनल पर, चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।